वैद्यती वजलालीय खलक्त समनन समयन मबनियतन वलाजन मदियतन वलाओ कमरन मुनीरन वला शमसन मदियतन वलाओ फलक यदूर वला बहरन यजरी वला फलक यसरी वला राजलकुम व मुहब्बतकुम व कदाजन या नादखुल माकुम व हल तहजन या रसूल अल्लाह فقال رسول الله عليك السلام يا امين وهي الله ان نعم قد ظلت لك فادخل جبرائيل ما تحت الكساء فقال بان الله قد اوحي عليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال لي ربي رسول الله اخبرني ما جلوس ناظ تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفوني برسالة نجيا ما ذكر خبر نهض في محفل من محافل أحلى الأرض وفي جم من شيئتنا ومهبنا إلو وننظلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وعظت كفرت لهم إلى أن يتفرقوا فكان لي السلام إذن والله فاضنا وفاض شيئتنا ورب الكعبة فكان أبي رسول الله صلى الله عليه وآله علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم من شيئتنا ومهبنا وفيهم محموم إلا وفرج لهم هم بلا مقموم إلا وكشف الله هم وطال بحاجتي وقضى لحاجتي فقال لي عليه السلام إذن بالله فاذنا وصادنا وكذلك شيئتنا فاذ وصاد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد बच्चे को लाना है ले क्या रहे थे आप तो बच्चे क्या आई सलाम पढ़ी आप दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात कहती थी यही ज़ैनब दुखिया मेरे भी रनवा मुजरा लो मेरा कुछ बात कहो मैं तुम पफिदा मेरे भी रनवा मुजरा लो मेरा
कहती थी यही, मैं कोक जली मा जाई हूँ हम शेर तुम्हारी भाई हूँ, जिंदा से छुट कर आई हूँ, जिंदा से छुट कर आई हूँ, मेरे भी रनवा मुजरा लो मेरा, कहती थी यही। अकबर भी नहीं अब्बास नहीं कासिम सा भतीजा पास नहीं, अब मुझको किसी की आस नहीं, अब मुझको किसी की आस नहीं, मेरे भी रनवा मुजरा लो मेरा, कहती थी यही। जिंदा में गई दरबार गई सर नंगे सरे बाजार गई, बिन तेरे जली लोखार गई, बिन तेरे जली लोखार गई, मेरे भी मुजरा लो मेरा, कहती थी यही। निकली थी वतन से जब मैं अकीर तुम सा थे और कुनबा था सभी, अब कोई नहीं तन्हा हूँ खड़ी, अब कोई नहीं तन्हा हूँ खड़ी, मेरे भी रनवा मुजरा लो मेरा, कहते पूछेगी अगर मुझसे सुगरा है बाप फूफी किस जा मेरा, क्या उससे कहूँ बोलो भैया, क्या उससे कहूँ बोलो भैया, मेरे भी रनवा मुजरा लो मेरा, कहती थी यही। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा
लगे हथियार जब अकबर सजाने और लगा माँ का कलेजा को आने गई चुपके से आबिद के सरहाने और लगी बीमार का शाना हिलान कहा बेटा उठो घर लुट रहा है कहा बेटा उठो घर लुट रहा है और अली अकबर भी मरने को चला है लगे हथियार जब अकबर सजाने दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद अरबईं के सोगवारो अलविदा शाहिदी के दोस्तदारो अलविदा शाहिदी के दोस्तदारो विदा खात्मा बिलखैर चहलुम का हुआ अलविदा अश्कबारो अलविदा अलविदा अश्कबारो अलविदा कह रहे थे मरकदों पर फातिमा जहरा के प्यारो फातिमा जहरा के प्यारो और दस्त सुना पास बस्ते भी नहीं बेदारों बेकरारो अलवि बेदारों बेकरारो और करबला के चांद को अर्श आजम के सितारो अर्श आजम के सितारो अकबर असगर के जामने नौजवानों शेर खारो नौजवानों शेर खा
रहा कब्र पे बेटा के ज़ैनब ने कहा माँ वतन जाती है प्यारो माँ वतन जाती है प्यारो और घर कहीं कुनबा कहीं कब्रे कहीं गरीबों बे दया ऐ गरीबों बे दया ओ कहती थी ज़ैनब ये कब्र शाह से तुम भी ज़ैनब को पुकारो तुम भी ज़ैनब को पुकारो अलविदा अरबैन के सोगवारों फिदा हूँ उस पे सलामी है जिसका नाम हुसैन फिदा हूँ उस पे सलामी है जिसका नाम हुसैन मेरा मोई मेरा आखा मेरा इमाम मेरा मोई मेरा आखा मेरा फिदा हूँ उस पे सबा को भेज के रोजे पे कर रहा हूँ दुआ सबा को भेज के रोजे पे कर रहा हूँ दुआ करें खुबूल इलाही मेरा सलाम करें खुबूल इलाही मेरा सलाम हुसैन फिदा हूँ उस पे जो करबला की जमी पर हुआ था उनका वरूद जो करबला की जमी पर हुआ था उनका वरूद तो फिर के देखते थे खबर का मखान तो फिर के देखते थे खबर का मखान हुसैन फिदा हूँ उस पे सुना नहाए किसी संग दिल ने लाख कहा सु
सा है मेरा नाम, रसूल का हूँ नवासा है मेरा नाम, हुसैन फिदा हूँ उस पे, न पूछो वक्त वो कैसा था जब मदीने से, न पूछो वक्त वो न पूछो वक्त वो कैसा था जब मदीने से चले हरे का लेते हुए सलाम, चले हरे का लेते हुए सलाम, हुसैन फिदा हूँ उस पे, पनाह लेते थे दुश्मन अजल के दामन पनाह लेते थे दुश्मन अजल के दामन में, जो वार करते थे लेकर अली का नाम, जो वार करते थे लेकर अली का नाम, हुसैन फिदा हूँ उस पे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो मोमिनीन भी बाहर डाइनिंग हॉल में हैं वो अंदर तशरीफ ले आएं। मजलिस शुरू हुआ चाहती है, क़िबला मौलाना साहब से बैठने से पहले चंद गुजारिशात और ऐलानात हैं। आप मुसलसल अयाम अज़ा की इन मजलिसों में पहली मुहर्रम से यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं आप लोग। मैं तमाम मोमिनीन और मोमिनात जिन्होंने मासूम इंतज़ामिया के साथ दामे दुरमे सुख ने जिस तरह भी हेल्प की है, मासूम एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से तमाम मोमिनीन और मोमिनात का इंतहाई तौर पर ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ तआवुन किया और हमारे इन तमाम प्रोग्रामों को कामयाब बनाया। हमारी कोशिश रही है दो तीन चीज़ें। नंबर वन के टाइमिंग में आप लोग मुसलसल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारी पहले मुहर्रम से जो भी प्रोग्राम हुए हैं, हमारी मुसलसल कोशिश रही है कि पंक्चुअलिटी ऑफ टाइमिंग हो और दूसरे इस अज़ा खाने को साफ़ सुथरा रखा जाए। आप लोग तमाम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसमें तमाम लोगों का जिन जिन ने हमारे साथ तआवुन किया है मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ुसूसी तौर पे जो सब कमेटीज़ हैं, लेडीज़ कमेटी में तमाम ख्वातीन जिन्होंने हमारे साथ इंतज़ामिया के साथ तआवुन किया है मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ। इस्पेशली सिस्टर शाहिदा, सिस्टर शान जहरा और सिस्टर एलिया हसनी जो हमारे साथ मुसलसल तआवुन कर रही हैं पहले मुहर्रम से। लेडीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हैं कि हर प्रोग्राम के बाद दस्तरखान में और उसकी सफाई में आशूर खाने की इन्होंने हमारे साथ तआवुन किया है। दूसरा सबसे बड़ा अहम चीज़ जो कि हमने पहली मुहर्रम से स्टार्ट किया था हमारा प्रोजेक्ट डेडिकेशन प्लेट्स का, वो आप लोग देख सकते हैं कि वो एक उसका मरहला तय हो चुका है।
49 नेम्स मरहूमीन के हमने बना के एक बोर्ड लगा दिया है। हमारे पास कोई 26 और स्पॉन्सर्स हैं जो कि जिनके हमारे पास पैसे आ चुके हैं। वी नीड 49 नेम्स। तो उसमें जिन कुछ मोमिनीन ने प्लेच किया है, उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात जिन जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है कि जिन्होंने प्लेच किया है, वो प्लीज़ अपने नाम, मरहूमीन के नाम और उनके डेट ऑफ बर्थ और तारीख वफात वो ला के हमें दे दें, ताकि हम वो 49 जैसे ही कंप्लीट होते हैं, एक हम इंशाल्लाह दूसरा बोर्ड जो है वो बना के यहाँ पे लगाएंगे। इस बोर्ड का मकसद आप सबको पता है, मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि जब भी इस अज़ा खाने में कोई प्रोग्राम होगा, नमाज या मजलिस जशन, जो हमारे रेजिडेंट आलिम साहब हैं वो या जो विजिटिंग आलिम्स आते हैं हर मजलिस के बाद, उन तमाम मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ाएंगे मिलके और उन उसका सवाब उन तमाम मरहूमीन को मिलेगा। तो आप लोगों से जो भी जो मोमिनीन चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक के नहीं दिया है, वो अपने मरहूमीन को ये एक सवाब का एक बेहतरीन ज़रिया है। $250 इस डेडिकेशन का हदिया है आप, और इससे मासूम को भी एक फाइनेंशियली हेल्प होती है और आपके लिए, आपके मरहूमीन के लिए एक उसका ज़रिया है। तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तमाम मोमिनीन इसमें पार्टिसिपेट करें। जिन मोमिनीन ने अभी तक के जो प्लेजेस दिए हैं, नहीं दिए हैं पैसे, वो हमें दें, ताकि हम जल्द से जल्द कंप्लीट करके दूसरा जो बोर्ड है वो लगाएं। हर बोर्ड में हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारी शियत के जय्यद आलिम हैं, उनका नाम जो है उसमें सबसे पहले हम रखें, ताकि उन मरहूमीन के साथ हमारे जिन्होंने हमारी शियत की खिदमत की है, उनके उनको भी एक सूरह फातिहा हम लोग मिलके पढ़ सकें। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप लोगों से फिर एक मरतबा दरख्वास्त करूँगा कि अपने जो सजेशंस हैं मासूम की इंतज़ामिया को हम तक पहुँचाएँ। हम आपके सजेशंस के लिए हंगरी हैं और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस इंतज़ामिया इस इदारे में अच्छे से अच्छे काम हों। फौरन 9 रबीउल अव्वल के बाद इंशाल्लाह मासूम की जो बिल्डिंग्स की अपडेट्स हैं, उसमें बिल्डिंग में जो काम है ज़रूरी हीटिंग और एयर कंडीशनिंग का, एलिवेटर्स का इंशाल्लाह 9 रबीउल अव्वल के फौरन बाद वो हम शुरू करेंगे। और मासूम में ऊपर छत लीक कर रही है, उसको हमें फिक्स कराना है। और मासूम के वाशरूम्स जो हैं वो अपडेट्स करेंगे। काफ़ी काम हैं जो हमें कराने हैं और ये सब के सब आपके तावुन से ही मुमकिन हो सकता है। तो आप लोग बराए मेहरबानी हमारे साथ तावुन करें, जिस कदर भी हो सके, दामे दुरमे सुखने, आपके तावुन से तमाम ये काम हो सकेंगे। दूसरा आखिरी ऐलान, कल लेडीज़ की एक मजलिस है, ये लेडीज़ के लिए है, दोपहर 2 बजे सिस्टर रुखसाना मुजिस की तरफ से। उन्होंने दरख्वास्त की है तमाम ख्वातीन से कि इस मजलिस में वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। लेडीज़ की मजलिस दोपहर को 2 बजे मासूम संडे स्कूल के बाद होगी यहाँ पे। आप तमाम ख्वातीन से दरख्वास्त है कि उसमें शिरकत करें। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मौलाना जावेद आब्दी साहब से दरख्वास्त करूँगा, आप इनसे हमारी दरख्वास्त थी कि आप ठीक 8:30 बजे मिंबर पे बैठ जाएंगे, लेकिन अब आप पूरा टाइम लें, 45 मिनट्स to 1 आवर मौलाना साहब का टाइम है और इंशाल्लाह आप अपनी मजलिस पढ़ें। कल क़िबला की आखिरी मजलिस है और इसी तरह 7:30 बजे नमाज के फौरन बाद जो है मजलिस शुरू होगी और क़िबला ठीक 8:30 बजे ज़ेब मेंबर होंगे। तमाम मोमिनों से मोमिनीन और मोमिनात से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत की इस्तदा है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। Yeah.
फातिहा। لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على ياسب الدين والإيمان، باب الأمن والأمان، كلمة الرحمن، كسر الأصنام والأوثان، السابق باللسان، والشاهد بالإيمان، مصداق مرج البحرين يلتقيان، الإمام المظفر والشجاع الغزنفر، وقاسم الطوبى والصقر، أبي شبير والشبر، وحامل الباب الخبر، والساقي حزن الكوثر، الذي سمته أمه حيدر، وعلى أوله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، الأمان 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 من فتن الزمان، صلوات على محمد وآل محمد. عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے محمد پر. ماہ عزا کے سلسلے کی یہ اختتامی تقاریر میں سے ایک گفتگو ہے جو آپ حضرات کی شاداب سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. میرے معروضات کو جس عقیدت اور احترام سے آپ نے پذیرائی اور سماعت کا شرف بخشا، میں اس کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. ہم نے ان مجالس میں جو سرنامہ ایک کلام قرار دیا ہے، وہ زیارت امام زمانہ ہے، جس کو ہم ہر مجلس اور ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں. سورج کی پہلی کرن دھرتی پہ پڑنے سے پہلے ہم اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر عبادت کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور نماز کے بعد سلام کر کے بتاتے ہیں سلام اسی کو کرتے ہیں جس نے معبود کی معرفت کرائی ہے. اور اس میں پڑھتے یہ ہیں کہ السلام علیکا یا صاحب عصر و زمان، اے زمانے کے صاحب
तुझ पे हमारा सलाम हो। सलाम की लॉजिक ये है कि सलाम कभी मुर्दों को नहीं किया जाता, जिंदों को किया जाता है। सलाम कभी नहीं देखा कि कोई मुर्दों को सलाम कर रहा है और हम अपने कब्रिस्तान में जाकर अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर जो कहते हैं, तो हम अपने उन्हें मुर्दा कभी नहीं कहते जिन्हें कब्र में लिटा कर आते हैं। अगर वो मुर्दा होते तो कभी भी उन्हें इस्मा इफम नहीं कहते कि सुन और समझ। सुनना और समझना इस बात की दलील है कि जो हमारा अली वाला कब्र में लेटा है वो मरा नहीं है, करवटे बदल रहा है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, ए कुरान के शरीक, इन लफ्ज़ों पर और इन फिक्रों पर बहस हो चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता तकरीर से आज की गुफ्तगू को मरबूत करने के लिए आपकी फिक्रों को हम आहंग करा रहा हूँ अपनी खिताबत से कि अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, ए कुरान के शरीक, तुझ पे हमारा सलाम हो। तो जो इमाम ज़माना हैं वो कुरान के शरीक हैं, और कुरान के शरीक इसलिए हैं कि जो जो अजमत कुरान की है वो ज़माने के इमाम की है। कुरान में शक करना इंसान को कुफ्र की हदों में ले जाता है। इमाम में शक करना नमाज पढ़ाने के बाद और नमाज पढ़ने के बाद इंसान को दायरा कुफ्र में दाखिल कर देता है। और कुरान दावा ये कर रहा है कि लो अन्ना कुरानन सुयरत बहिल जिबाल उकुत्तियत बहिल अर्ज उकुल्लमा बहिल मौता। इसके ज़रिए से मुर्दों से कलाम किया जा सकता है, इसके ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से मुर्दों से कलाम किया जा सकता है, पहाड़ों को अपनी जगह से हटाया जा सकता है, इसके ज़रिए से कुत्तियत बहिल अर्ज ज़मीन को क़ता किया जा सकता है। तो इमाम में भी ये तासीर होनी चाहिए कि वो भी चाहें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं, वो भी चाहें तो ज़मीन को मुनक़ता कर सकें, वो भी चाहें तो मुर्दों को सलाम किया जा सके। यहाँ तक मेरी गुफ्तगू आपसे गुज़िश्ता तकरीर के मरबूत हो चुकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आगे की जो फ़िक्रा है, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, ए रहमान के खलीफा, तुझ पे हमारा सलाम हो। जब हमने कुरान मजीद की आयतों में तलाश किया तो अल्लाह ने अजल ही से एक खलीफा का ऐलान किया और वो हज़रत आदम का, लेकिन खिलाफत का ऐलान तो किया है कुरान मजीद में, लेकिन आवाज़ दी है कि इन्नी जाहिलुन फिलर्ज़ खलीफा, ए आदम हमने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया है। और रहमान की सिर्फ ज़मीन ही नहीं है, अर्श है, फर्श है, हूर है, तयूर है, मलक है, शुमाल है, जुनूब है, मशरिक है, मगरिब है, बहरो बर है, दश्त व जबल है, अर्ज़ व समा है, शमशो कमर है, कवाकिब हैं, सैारे हैं, सितारे हैं। तो अब हमारे इमाम का मुकाबला आदम से भी नहीं करना, क्योंकि आदम सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का खलीफा है, इमाम रहमान का खलीफा है। जहाँ जहाँ उस रहमान की रहमत होगी वहाँ वहाँ इमाम की इमामत होगी। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलामु अलैका। अच्छा, मैं इनका मुकाबला तकाबुला जरा सी गुफ्तगू बिल्कुल आम महज से हटकर कर रहा हूं। इनका मुकाबला हम ना तो आदम से कर सकते हैं, तो क्या नूह से तकाबुल हो सकता है? वो भी पैगंबर है, वो भी अल्लाह के नबी है। मगर जब हजरत नूह को हमने देखा और देखते देखते ये देखा कि 900 बरस जनाब हजरत नूह ने तबलीग की, तबलीग करते करते जब उनकी उम्मत अल्लाह की वहदानियत का कायल नहीं हुई, नबूवत के कसीदे नहीं पढ़े, तो एक मरतबा जनाब नूह ने जात वाजिब से कहा, रब्बे ला तज़िर अलल अर्ज़े मिनल काफ़िरीना दयारा। पालने वाले रब्बे ला तज़िर अलल अर्ज़े, पालने वाले जमीन पे न छोड़, मिनल काफ़िरीना किसी भी काफ़िरीन के
दयारा घर को पालने वाले इन पे ऐसा अजाब नाजिल कर, जनाब नूह कह रहे हैं अल्लाह से ऐसा अजाब नाजिल कर कि किसी काफिर का घर जमीन पे ना हो। यह है नूह, नूह हजरत नूह की बद्दुआ है, रब्बे ला तज़िर अलल अर्ज़े मिनल काफिरीना दयारा, पालने वाले किसी भी काफिर का घर जमीन पे बचना नहीं चाहिए। ये नूह है। अब कमालुद्दीन व तमामुन नेमाद में शेख सुदूक रहमान ने लिखा कि इमाम के बारे में रिसालत माफ फरमा रहे हैं कि जब आप ज़हूर फरमाएंगे और खाने काबा की छत पे खड़े होकर अजान कहेंगे तो एक मरतबा सारे चारों चारों तरफ कुफर का बोलबाला होगा मगर आवाज बुलंद होगी कि जाल हक व जाकल बातिल इन्नल बातिला काना जहूका, कि देखो हक आ गया है और बातिल मिट गया है। बातिल तो इस लायक था कि मिट जाता तो एक मर्तबा हातिफ गैबी की जलाले किबरिया की आवाज आएगी, या हुज्जती ला तज़िर अलल अर्ज़े मिनल काफिरीना आसारा, ए मेरे हुज्जत अपनी सुल्फकार को निकाल और ला तज़िर अलल अर्ज़े किसी भी किसी को भी काफिरीन में से इस जमीन पे मत छोड़ना। किसे आसारा, उनके आसार को यानी काफिरों के आसार को भी इस जमीन पे न छोड़ना, काफिरों की निशानियों को भी इस जमीन पे न छोड़ना। उधर जब जनाबे नूह ने अल्लाह से कहा तो कहा क्या, कहा कि पालने वाले किसी भी काफिर के घर को जमीन पे न छोड़ना, और अल्लाह क्या कह रहा है इमाम से कि ए इमाम या हुज्जती किसी भी काफिर के आसार को जमीन पे ना छोड़ना। आपने तकाबुल नहीं किया, अल्लाह से नबी अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह इमाम से कह रहा है, नबी अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह इमाम से कह रहा है। अब दुनिया हमसे पूछती है कि बताओ इमामत में और नबूवत में फर्क क्या है, इन दोनों वाकयात से और आयात से आपने नतीजा अक्स नहीं किया कि जो अल्लाह जिससे अल्लाह से जो अपना काम कराए वो नबी होता है और अल्लाह जिससे काम कराए वो इमाम होता है। सलावात भेज दे मोहम्मद। चार मिसरे और मेरी तकरीर से मरबूत हुए हैं और कयामत के चार मिसरे हैं। ये है अल्लामा नजम अफंदी हैदराबाद के रहने वाले मरहूम, जिन पर लोगों ने पीएचडी की है और उन्होंने चार मिसरे कयामत के किए कहे हैं कि और मेरी तकरीर से क्या बिला फसल हुए, क्या मरबूत हुए हैं कि जिससे जो अल्लाह से काम कराए वो नबी है और अल्लाह जिससे काम कराए वो इमाम है। अब नबूवत और इमामत का तकाबुल मत करना। दुनिया पे अल्लामा नजम अफंदी कह रहे हैं दुनिया पे अजब शान से छाएगी नमाज, दुनिया में अजब शान से छाएगी नमाज, हर रूह में हर दिल में समाएगी नमाज और समझेगा इमामत को जमाना उस दिन जिस दिन ये नबूवत को पढ़ाएगी नमाज। भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि आगे इमाम होंगे पीछे नबी होंगे, या जुमले को बदल के कहूं कि आगे नस्ले इस्माइल का आखिरी बेटा, पीछे नस्ले इसहाक का आखिरी नुमाइंदा, या फिर जुमले को बदलूं आगे वारिस कुरान पीछे वारिस इंजील, नहीं फिर जुमले को बदल रहा हूं, आगे सैयदा कलाल पीछे मरियम का बेटा, या फिर जुमले को बदलूं पीछे जिसकी मां को बैतुल मुकद्दस से निकाला गया, आगे जिसकी दादी को खाने काबा में बुलाया गया। आगे अपने दौर का अली,
मैं जुमला तवज्जो चाह रहा हूं, आगे अपने दौर का अली, पीछे इमाम नहीं बल्कि नबी, मरियम का बेटा ईसा पीछे होंगे। इस पे किसी मुसलमान को मैं इख्तलाफी बात पढ़ ही नहीं रहा, किसी मुसलमान को इख्तलाफ नहीं है, बस ये इख्तलाफ है कि वो पैदा हो चुके या पैदा होंगे। और हम कहते हैं हमारे यहां इमाम पैदा नहीं होता, क्योंकि पैदा वो होता है जो पहले ना पैदा हो। आए 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 आए, इसलिए हमारे हम उसे इमाम मानते ही नहीं है जो यहां आके पैदा हो। पैदा वो होता है जो पहले ना पैदा हो। अब अल्लाह जाने बनी उमैया से लेकर बनी अब्बासिया तक, बनी उमैया के 14 खलीफा, बनी अब्बासिया के 52 खलीफा, इनके दरबारों से ये बात निकल के आई है और ये लिखी गई है। और आज भी लोग कहते हैं कि भाई तुम ही इख्तलाफ की बातें करते हो, अली ने तो फला के पीछे नमाज पढ़ी, अली ने तो फला के पीछे नमाज पढ़ी। और लोग चाहे अपने हो पराए हो, मुंह सुको सुको के बात करते हैं कि अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ी। अली कैसे फला के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं जब रसूल ने कहा है अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हम सारे के सारे मोहम्मद है। यानी जो पहले की सीरत है वो दरमियान वाले की सीरत है, जो दरमियान वाले की सीरत है वो आखिरी की सीरत है, जो आखिरी की सीरत है वो कुल की कुल सीरत है। यानी आखिरी अली अपने दौर में आकर ईसा को नमाज पढ़ाएगा। और ईसा जवान होंगे तो फैसला क्यों नहीं करते कि जब आखिरी अली को नबूवत की जवानी नमाज न पढ़ा सकी तो पहले अली को सहाबियों का बुढ़ापा नमाज क्या पढ़ाएगा। और जनाबे हजरत, मैं तो ना आदम से आज देखें, मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा आम नहज से हट के गुफ्तगू कर रहा हूं। ना इमाम का तकाबुल आदम से, क्योंकि आदम सिर्फ जमीन के खलीफा, इमाम रहमान के खलीफा। ना नू से, नू अपना काम खुदा से कराते हैं, खुदा अपना काम इमाम से कराता है। आए 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 आए। नहीं, मैं जरा सी और फिक्रों को उठाना चाहता हूं। आप जो ज़ियारत पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका या इमामल इनसे वल जान, मैं इब्राहिम से भी तो मुकाबला नहीं कर सकता अपने इमाम का, क्योंकि हजरत इब्राहिम का जब इम्तिहान हुआ तो सूरे आले इमरान में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ अब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। जब हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया और वो अपने इम्तिहान में मुकम्मल तौर पर पास हो गए तो काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम के लिया कहा कि हमने इन्हें लोगों का इमाम बना दिया है। हजरत इब्राहिम लोगों के इमाम है, सिर्फ लोगों के इमाम जो उस जमाने में है। और आप इमाम जमाना को पढ़ते क्या है, अस्सलामु अलैका या इमामल इनसे वल जान, के सिर्फ लोगों के नहीं जिन्नो इंस के इमाम। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, जिन्नो इंस के इमाम। और खुद अपने दौर के इमाम को ही जिन्नो इंस का इमाम नहीं कहते, और अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि मुसलमानों के शाफई ने तो हमारे अपने दौर के इमाम के पहले इमाम का कसीदा पढ़ते हुए कहा, अली शुन हुब्बहु जुन्ना खसीमुन नारेवल जन्ना वसीय मुस्तफा हक्का इमामुल इंसेवल जिन्ना। यानी जो सिर्फ लोगों का इमाम हो उसे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, जो जिन्नो इंस का इमाम हो उसे अली जुन वलीउल्लाह कहते हैं। और अजीजाने मोहतरम, ये जिन्नो इंस का इमाम, मैं तो हजरत इब्राहिम से भी तकाबुल नहीं करा सकता, न जनाबे नूह से। क्यों? क्योंकि कल की गुफ्तगू जहन में है, क्योंकि ये अल्लाह के कौल की जबाने हैं। कल का
अगर मेरा मजमून जहन में है मैं उससे बिला फसल हो रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला, खुतबा पढ़ा था अल्लामा नूरी का, सिर्फ एक फिक्रे पर पूरी मजलिस खत्म हो गई थी। अल्लाहुम्मा कल आखिरी मजलिस है जैसा कि ऐलान हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही व अला रिजालिही व अलसिनते अक्वालिही व आला अम्सालिही व मुफातीय अख्फालिही व मसादिरे आमालिही मसादिरे आमालिही व इलालिल वजूद व सबबिल सुजूद व सबबिल सुजूद। अल्लाहुम्मा अन मन नजला अन मनाजिलहिम व अल्लाहुम्मा अन काला फी फजाइलहिम लेमा व कैफा। पालने वाले दरूद भेज, सलाम भेज उन पर जो मोहम्मद हैं और उनकी आल हैं और उनके अपने लोग हैं, मोहम्मद के अपने लोग हैं, नबी के अपने लोग हैं। वो अल सिनते अक्वाले ही जो अल्लाह के कौल की जबाने हैं, यानी अल्लाह का कल जहां मैंने गुफ्तगू खत्म की थी ये अशरे में या खमसे में, मजा यूं ही आता है कि तसलसुल बना रहता है कि अल्लाह के कौल की जबाने जहां जहां अल्लाह ने कुरान मजीद में लफ्ज कुल से आयत शुरू की है या सूरत शुरू की है वहां खिताब काफिरों से है। कुल हो अल्लाह अहद, क्योंकि अहद नहीं मानते थे अल्लाह को काफिर, तो कहते कुल इन काफिरों से कह दो कि अल्लाह अहद है। कुल या अय्युहल काफिरून, ए मेरे मोहम्मद इन काफिरों से कह दो ये जो काफिर हैं। और वही आयत में अल्लाह ने सूरह शोरा में इस्तेमाल किया कुल के, वो लोग जो इस्लाम ला चुके थे, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे मगर अजर रिसालत अदा नहीं किया, तो अल्लाह ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, कि ये नमाज पढ़ रहे हैं मगर अभी तक आपके औलाद के लिए अजर रिसालत अदा नहीं किया, इनसे कह दो कि मैं कुछ नहीं चाहता। यानी ये अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, कुरान इन्हें मुसलमान नहीं मानता। सलावत भेज देना मोहम्मद वाले भा। अब सरकार कुल के बाद अब आयते हैं कुलना। कुलना का मतलब है हमने कहा। अल्लाह है एक मगर आयतों में इस्तेमाल कर रहा है कुलना, हमने कहा। आयत तिलावत करते हो ना, सुनते हो मौलाना लोगों से, कुलना हमने कहा। जब वो एक है तो हम कहां से हो गया? और मैं कहूंगा बहुत से लोगों ने मिलके कहा जो अल्लाह है तो काफिर हो जाऊं, क्योंकि अल्लाह तो अहद है, ना वो खट सकता है ना बढ़ सकता है ना छट सकता है। तो फिर अल्लाह जब अहद है तो ये कहां से हो गया कि हमने कहा? कुलना, आयतें पढ़ रहा हूं, कुलना या मलाइकतुस्जुदु ले आदमा, हमने कहा कि ऐ फरिश्तों सजदा करो किसे? आदम को। हमने कहा, मैंने नहीं, आय 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 तवज्जो चाह रहा हूं। ये हम कौन है जो कुरान में अल्लाह कह रहा है? नू की बात आई तो अल्लाह कह रहा है कुलना या नू हो एहबित बेसलाम इन मिन्ना, हमने कहा ऐ नू कश्ती से सलामती के साथ नीचे उतर आओ। हमने कहा नू से, हमने कहा फरिश्तों से। और यह आयत तो सभी को याद है जब मिंजनीख में घुमाकर इब्राहिम को आग की तरफ फेंका गया तो अल्लाह कह रहा कुलना या नूरो या नारो कूनी बर्दन वो सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा अरे आग ठंडी हो जा इब्राहिम के लिए और सलामती बन जा। जब वो एक है तो ये क्यों नहीं कहता कि मैंने कहा? जब वो आहद है तो ये क्यों नहीं फरमाता कि मैंने फरिश्तों से कहा, मैंने नूह से कहा, मैंने आदम से कहा,
मैंने आंख से कहा, मैं की बात नहीं हो रही जमा का सीगा, हमने आंख से कहा, हमने नूह से कहा, हमने फरिश्तों से कहा, समझ में नहीं आता। अच्छा, कहने के लिए भी जबान चाहिए, कहने के लिए जबान चाहिए, जबान के लिए दहन चाहिए, दहन के लिए चेहरा चाहिए, चेहरे के लिए जिस्म चाहिए, जिस्म के लिए हाथ चाहिए। या तो हाथ पैर आंख दांत जबान वाला खुदा दिखाओ, या तस्लीम करो कि कोई अल्लाह का हाथ है। तवज्जो चाह रहा हूं, या तस्लीम करो कोई अल्लाह की जबान है, या मानो कोई अल्लाह की आंखें है, कोई अल्लाह का कौल कहने वाली जबान है। मैं यही खुतबा पढ़ रहा हूं, समझ में नहीं आता था कि आखिर वो अल्लाह के कौल करने वाली जबाने हैं कौन सी। न समझ में आता, सुबह कयामत तक के लिए मुसलमान सर थुनते थुनते मर जाते, मगर अल्लाह के कौल की जबाने न मिलती। वो तो एक दिन 36 हिजरी जुमे का रोज मस्जिद कूफा मिंबर अबियस अस्हाब और मुसलमानों का हुजूम, किसी ने पूछा कि याली आप बताइए कि आग को ठंडा कैसे किया। क्या क्या पूछता है, अनल्लजी कुल तो या नूरो या नारो कूनो बर्दन वो सलामिन अला इब्राहिम, मैं वो हूं कि जिसने आग से कहा ठंडी हो जा। सलावत, हमने कहा, मैंने कहा, अनल्लजी कुल्तो या नारो कूनी बर्दन वो सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा आग से कि ठंडी हो जा। यहां पे जो उसके कौल की जबाने हैं वो ये पंजेतन है, कहता वो है, इरादा उसका होता है, जबाने इनकी होती है। नहीं, मैं जरा सा और करीब आके आपसे बात करना चाहता हूं। दूसरा फिक्रा अल्लामा नूरी ने कहा कि वो मुफातीह अकफाल ही सलाम है उन पर जो अल्लाह के खजानों की चाबियां हैं। ये फजीलतें हैं अल्लाह के खजानों की चाबियां। अब अल्लाह के खजाने हैं क्या? दौलत अल्लाह का खजाना, सेहत अल्लाह का खजाना, इज्जत अल्लाह का खजाना, तहारत अल्लाह का खजाना, अक्ल अल्लाह का खजाना, फिक्र अल्लाह का खजाना, सीरत अल्लाह का खजाना, रुश्द अल्लाह का खजाना, इल्म अल्लाह का खजाना, बुर्दबारी अल्लाह का खजाना, फिजफसात अल्लाह का खजाना, खिताबत अल्लाह का खजाना, बलागत अल्लाह का खजाना, तहारत अल्लाह का खजाना, औलाद अल्लाह का खजाना, सेहत अल्लाह का खजाना, ये सारे अल्लाह के खजाने हैं। और अल्लाह के खजाने की चाबियां, नहीं नहीं नहीं, इतनी खामोशी से थोड़ी पढ़ के गुजरना है जैसे आप समझ रहे हैं। यानी ये औलाद है अल्लाह का खजाना, सेहत है अल्लाह का खजाना, इल्म है अल्लाह का खजाना। एक राहिब जिसके औलाद होती ही न थी, न उम्मीद हो गया था, क्योंकि अल्लाह का खजाना औलाद है, रसूल के दर पे आ गया खजाना लेने के लिए, मगर ये जिसके दर पे आया था, इस मासूम नबी की निगाहें कयामत तक के लोहे महफूज में एक एक के हालात को देख रही थी। इसने देख के कहा, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं, कोई औलाद नहीं, मगर जो जानू पे अल्लाह के खजाने की चाबी बैठे हुए था, उसने कहा मैंने तुझे साथ दिए। आया
चार मिसरे और कयामत के चार मिसरे हैं। और यह भी पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं आपकी खूबसूरत पुरखीदा और बेदाग समातों की नजर कर रहा हूं। और क्या चार मिसरे हैं, खुदा की कसम तारीख बोल कौन है, पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं मिंबर से, तारीख बोल आपके सामने कि तारीख बोल कौन है फर्द बशर में जो सारी मजलिस एक तरफ, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी की मजलिस एक तरफ और ये चार मिसरे एक तरफ, जो पढ़ रहा हूं जो दे रहा हूं आपको खजाना खजाने की बात करते हुए, तारीख बोल कौन है फर्द बशर में जो, तारीख बोल कौन है फर्द बशर में जो चौखट पे उनके बन के सवाल ही नहीं गया। मैं खुदा की कसम कलेजा दे रहा हूं कि तारीख बोल कौन है फर्द बशर में जो चौखट पे बन के उनके सवाल ही नहीं गया और बयत न की यजीद की, पर सर तो दे दिया इस डर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। सलावात भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख बोल कौन है फर्दे बशर में जो चौखट पे इनके बन के सवाल ही नहीं गया और बयत न की यजीद की, पर सर तो दे दिया इस डर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वालेही वो अलसिनते अखवाले ही वो मुफातिये अखवाले ही वो आला इमसाले ही, अब आयत आगे अब खुतबा आगे बढ़ा, वो आला इमसाले ही वो मफातिये अखवाले ही वो मसादिरे मसादिरे अफाले ही, और उन पे सलाम हो जो अल्लाह के अफाल के मसदर है। मजदर कहते हैं एग्जिट की जगह को, निकलने के मकाम को, यानी जो अल्लाह के अफाल हैं, अल्लाह के काम हैं, अल्लाह के काम हैं, उन अल्लाह के अफाल के मसदर पंजतन है। भाई यही वजह है औलाद अल्लाह देता है, मिलती हुसैन के दर से है, इज्जत अल्लाह देता है मिलती अली के दर से है, हयात अल्लाह देता है मिलती सैयदा के आस्ताने से है, रोजी अल्लाह देता है मिलती अली की चौखट से है। भाई यही वजह थी, यही तो वजह थी कि क्योंकि रोजी देना अल्लाह का फेल मगर भटती है दरे अली से, यही वजह थी कि अली खुतबा कूफे में दे रहे हैं कि दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे इशारा किया, जो अपने जमीर और खमीर को शाम की तिजोरी में रख के आया था, गिरवी रख के आया था, उसने कहा ये रोजाना अली दाएं बाएं आगे पीछे हाथ करके क्या करते हैं। बराबर में खड़े हुए कंबर ने कहा दुनिया को रिस्क बांटते हैं। अच्छा आज ही नहीं, जो अली के फजाइल पढ़ता है तो कुछ शक करके सुनते हैं, जब अली अपने फजाइल पढ़ते थे ना तब भी इस नस्ल के शक्की थे। सलाम आप भेज देना मोहम्मद वाले साहब। यानी जब अली अली के फजाइल पढ़ते थे तब भी मस्जिद कूफा में मिंबर अबियस पर तब भी लोग शक करते थे, क्या कहा दाएं बाएं आगे पीछे
सबको अली रिस्क तकसीम करते हैं, कच्चा अली रिस्क तकसीम करते हैं। कल देखेंगे, गया जाके डिब्बी में एक छोटी सी चींटी को कैद करके जेब में रख के लेके आया। खुतबा दे रहे थे अली, बैठा हुआ सुन रहा था मुनाफिक। अली ने दाएं बाएं आगे पीछे इशारा किया, बड़े तमस्कुराना अंदाज में कहा, अली आज भी रिस्क भाग दिया? कहा हाँ भाग दिया। कहा सबको भाग दिया? एक मर्तबा मम्लेकते इल्मे गैब का शहंशाह गोया हुआ और बोला कि हाँ, तेरी कबा की जेब में जो छोटी सी चींटी है, मैं उसका भी रिस्क दे चुका हूं। सलावात भेज दे रहा मोहम्मद वाले वहां। अली अली जियो, हैदरी। छह मिसरे आपके जज्बात को देखकर क्या खूबसूरत, खुदा की कसम मरबूत हुए हैं। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। कश्ती अली, निजात अली, ना खुदा अली। कश्ती अली, निजात अली, ना खुदा अली। रोजा अली, नमाज अली और दुआ अली। और मुश्किल में सारी दुनिया के मुश्किल कुशा अली, रहबर अली, इमाम अली, पेशवा अली। मुश्किल में सारी दुनिया के मुश्किल कुशा अली, अरे पीरों के दस्तगीर, नबी के वजीर है। दुनिया फकीर है, ये जनाबे अमीर है। नहीं, फिर छह मिसरे फिर मरबूत हुए हैं। सरे मिंबर, क्या खूबसूरत छह मिसरे हैं। सरे मिंबर अलल एलान अली बोलते हैं, इसलिए चुप है ये कुरान, अली बोलते हैं। सरे मिंबर अलल एलान अली बोलते हैं, इसलिए चुप है ये कुरान, अली बोलते हैं। गोशाए कब्र से, गोशाए कब्र से ये किसकी सदा आती है, मेरे दिल मेरा कहा मान। गोशाए कब्र से ये किसकी सदा आती है, मेरे दिल मेरा कहा मान। अली बोलते हैं और खुतबे हजरत जैनब ने खयामत कर दी, फिर हुआ कूफे में ऐलान, अली बोलते हैं। मेरे दिल मेरा कहा मान, अली बोलते हैं। क्या बात है अजीजाने मोहतरम, यानी ये है उसके अफाल के मजदर, यानी फेल अल्लाह का, इज्जत देना काम अल्लाह का, जिंदगी देना काम अल्लाह का, मगर सादिर होते हैं इनके दर से। अब क्या करूं, बद अकीदों के अकीदों को कहां तक संवारूं। साहब अली के लिए कह दिया अली रिस्क बांटते हैं, मलकुल मौत पे यकीन है कि वो मौत वो रूह कब्ज करता है। हाय हाय हाय, तवज्जो जरा, मलकुल मौत पे यकीन है कि रूह कब्ज करता है, अल्लाह कब्ज करने आता है। हाय हाय हाय, तवज्जो, क्यों खामोश बैठे, क्या अल्लाह कब्ज करने आता है रूह का? नहीं का, अगर अल्लाह कब्ज करने आओ तो बताओ उसको महदूद करोगे, महदूद करोगे तो कुफ्र करोगे। तवज्जो जरा, महदूद करोगे ना अल्लाह को, महदूद करोगे तो कुफ्र करोगे।
हवा चलाने के लिए फरिश्ते, पानी बरसाने के लिए फरिश्ते, बूंदों को काउंट करने के लिए फरिश्ते, सारा काम फरिश्ते, लेकिन क्या अली रिस्क मांगते हैं? क्या ये समझ में नहीं आती? तो आप देखें कि फरिश्ते क्या है और अली क्या है। तवज्जो चाह रहा हूं। किताबों में ना हो तो मेरे हाथों में हथकड़ियां पहना दो, जो चाहे सजा दो, और अगर किताबों में हो तो मरने से पहले अकीदों के किबलों को दुरुस्त करो। अली के नाम पे तकिया किया, किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है? जिया जिया न जिया। और अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ कि फिर हयात ने मौका दिया, दिया न दिया। इसलिए मरने से पहले अगर आखबत और आखरत सही चाहते हो तो मौला के वफादार बनो, मौला के चाहने वाले बनो। इसलिए कि बख्शिश उसी की है जो मौलाई है। और ये मत ले जाया करो ज़िगज़ैग कि मौलाई वो होते हैं जो बेअमल होते हैं, हम बेअमल उसे कहते हैं जो मुर्दा होता है। और अली वाला मुर्दा नहीं होता, मर के भी नहीं मरता। तवज्जो चाह रहा हूं। अली वाला वो होता है जो मर के भी नहीं मरता। इसलिए कभी भी इन लोगों को कहने का ये मौका ही मत दो कि साहब ये नमाज नहीं पढ़ते, ये रोजा नहीं रखते। बामल अली वाले बन के बताओ, खंबरी मिजाज बनाओ, बुजरी तबीयत बनाओ, हबीब इब्ने मजाहिर जैसे जज्बे बनाओ, जनाबे जान जैसे हौसले बनाओ, और फिर शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से हर दौर के अपने हो या पराए हो, यजीद के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाओ। इसलिए कि मौला के हर दौर में दुश्मन रहे। और हम याद रखो कि अली का नाम जन्नत के लालच में नहीं लेते, क्योंकि जो अली वाला होता है ना, वो मिजाज भी अली के जरिए से बनाता है। अली ने यही तो कहा, खुदा की इबादत ना मैं जन्नत के लालच में करता हूं ना दोजख के खौफ में। उसे लायक के इबादत समझा तो इबादत की। हम भी अली अली ना जन्नत के लालच में ना दोजख के खौफ में। बल्कि वो अली 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 है, इसलिए अली को अली करते हैं। वरना जन्नत मांगने का तरीका तो हमें कंबर ने सिखा दिया है। भाई यही तो था कि कंबर के पास एक साहिल आया भूखा, मौला बहुत भूखा है साहिल, साहिल भूखा है क्या करूं, कर रोटी दे दो उसे। मौला रोटी तो टोकरी में है, पूरी टोकरी दे दो, टोकरी ऊंट पे है, ये है अली, ये समझो अली को, पूरा ऊंट दे दो, ऊंट खतार में है, ये है सखी मौला, ये है सखी शहंशाह, पूरी कतार दे दो। खतार कंबर के हाथ में थी, छोड़ के कहा ले, एक रोटी मांगने आया था, खतार लेके गया। मैंने कहा कंबर ये तूने निहार क्यों छोड़ दी? इसलिए जो अली वाला होता है वो कहीं नहीं जाता, जानता था कि सखावत का दरिया बेकनार मौज में है। अगर मैं कह दूंगा कि कतार मेरे हाथ में है, जा तू भी चला जा। सलावत भेज देना मोहम्मद वाले वहां। जियो, अब जियो।
कीजियो। अमल करते रहो, सजदे करते रहो, अली के बताए हुए बचाए हुए रास्ते के राही बने रहो, फिर जन्नत क्या चीज है? खंबर ने बता तो दिया, रोजे मैशर लोग जन्नत का पता पूछते हुए जाएंगे, कहा है जन्नत, कहा है जन्नत, कहा है जन्नत, कहा है जन्नत। हम कुछ नहीं पूछेंगे, कंबर को बुलाएंगे, कंबर जरा इधर तो आओ, ओ भूख लग रही है। क्या भूख लग रही है, क्या खाओगे? क्या एक फल दे दो, क्या एक मरतबा अली से पूछ लूं जो कसीम उन्नारे वाल जन्नत है। क्या मौला तुम्हारे चाहने वाले फल मांग रहे हैं, क्या ये फल तो पेड़ पे है, दरख्त पे है, क्या दरख्त दे दो, क्या दरख्त बाग में है, क्या बाग दे दो, बाग जन्नत में है, जन्नत दे दो। सलावत भेज देना मोहम्मद वाले वहां। चार मिसरे कयामत के मरबूत हुए हैं। क्या मिसरे मरबूत हुए हैं? सरे मैशर अली का इश्क अपना काम कर देगा। क्या मिसरे हैं और क्या मेरी तकरीर से मरबूत हुए हैं? सरे मैशर अली का इश्क अपना काम कर देगा। सबीलों की तरह तस्नीम और कौसर आम कर देगा। न इतराए बहुत जन्नत पे, ये रिजवान से कह दो, अगर बहलौल कोई आ गया नीलाम कर देगा। सलावत भेज देना मोहम्मद वाले वहां। अगर बहलौल कोई आ गया नीलाम कर देगा। तो अफाल के मजदर आला इंसाल, उस आला की आला मिसाले ये पंजतन है, उस आला के कौल की जबाने ये मासूमीन है, उसके खजानों की चाबियां ये है, उसके अफाल के मजदर यही है। यही तो वजह है, आखिरी फिक्रे मैं तमाम कर रहा हूं ताकि मौजू सिमट जाए, कि जब हम इमाम हुसैन की जरी पर ज्यारत करने जाते हैं तो दुआए जामिया में ये पढ़ते हैं, इरादतुर रब फी मकादिर उमूर ही तहबुतो इलैकुम वो तस्दिरो मिन बयूतकुम। जब जरी पे दुआ पढ़ते हो हाजरी में, यही तो पढ़ते हो ना, पढ़ के चले आते हैं, जरा अरबी समझे कि है क्या। इरादतुर रब अल्लाह का, रब का इरादा, फी मकादिर उमूर ही लोगों के मुकद्दरों के बारे में, तहबतो इलैकुम पहले है हुसैन, अल्लाह का इरादा तहबतो इलैकुम तुम्हारे पास आता है, वो तस्दिरो मिन बयूतकुम और तुम्हारे घरों से सादिर होता है। यानी अल्लाह का इरादा पहले हुसैन की डिहड़ी पर आता है और फिर यहां से ही सादिर होता है, कि रब का हुसैन का इरादा क्या है? इरादा रब करता है और उसका इजहार हुसैन के आस्ताने से होता है, क्योंकि ये हुसैन वो है कि जो अपना सर अगर शिमर न काटता तो कयामत तक उस वाजिबुल वजूद की बारगाह में सर को सजदे से न उठाता। वो हुसैन जिसने लाज रखी सजदों की, वो हुसैन के जिसने हयात बख्शी नमाज की, वो हुसैन के जिसने दीन बचा लिया रसूल का। ये गलत लोग तकाबुल करते हैं कि हुसैन ने नमाज के लिए जान दी, नहीं, यजीद जाम शराब लेकर नमाज की मुखालफत नहीं करता था, उसके दरबार में भी अजानें थी,
उसके दरबार में भी नमाजें पढ़ी जाती थी। यजीदी जो करबला में हुसैन का सर कलम करने के लिए आए थे वो भी बात जमात नमाज अदा करते थे, मगर जाम शराब लेकर तख्त पर बैठकर यजीद यही कहता था कि कोई रसूल नहीं आया, कोई कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई, कोई कुरान नहीं आया। ये सब बनी हाशिम ने अपने खानवादे को अजीम बनाने के लिए एक ड्रामा किया था, एक ठोंग रचा था, क्योंकि जंग नमाज पे नहीं, जंग रिसालत पे थी, जंग नमाज पे नहीं, जंग अजमत मोहम्मद पे थी। अगर सही मोहम्मद की अजमत का कोई महाफिज था तो एक बतूल का बेटा जिसे हुसैन कहते हैं, ये तो फुरुए दीन का एक रुकन है नमाज, जो रसूल ने अदा कराई और जिसको बचाया, और जिसको बचाया और बाकी रखा अपनी रूह के साथ, उस महाफिज नमाज को हुसैन कहते हैं, उस महाफिज शरीयत मुस्तफा का अकीदती नाम शब्बीर है। अजादारो, मगर वो शब्बीर वो बतूल का जाया जिसका कातिल जब गिरफ्तार होकर मुख्तार के दरबार में आया है तो एक मर्तबा मुख्तार देख के बेहोश हो जाते हैं और कहते हैं, जालिम मैंने सुना है कि तूने मेरे मौला को 72 जरबों से कत्ल किया है, मुझे इतना बता दे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो वसीयत मेरे मौला ने की हो और हम तक नहीं आई हो। जालिम कहता है मुझे मार दे मगर उस वक्त का मंजर मुझसे ना पूछ। क्या बताना क्यों नहीं चाहता कि जब से मैंने प्यासे गले पे कुंद खंजर चलाया है ना, जब से अव्वल तो रात को मुझे नींद नहीं आती और जब कभी थक के सो जाता हूँ अल्लाह जाने कौन नकाब पोश भी आके कहती है, ए शिमर मुझे इतना बता दे मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा था। हाजादारो, हुसैन को रुखसत कर दीजिए, सिर्फ कल कल की रात बाकी रह गई है। हाजादारो, अल्लाह जाने किसके मुकद्दर में फिर रोना हो, किसके नसीब में नहीं, किसके नसीब में मातम करना हो। अजादारो, वो मेरा मौला हुसैन। अजादारो, जब अब्बास के बाजू कट चुके, कासिम की लाश पामाल हो चुकी, औनो मोहम्मद के सरतन से जुगा हो चुके, अली अकबर के कलेजे से सैयदा बतूल का बेटा अपनी आस्तीन उठा के बर्छी निकाल चुका। अजादारो, जब किसी को कोई मर जाता है ना और पुरसा देता है तो बड़ा दिल को तस्कीन मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, मगर मीर अली सल्लल्लाहु मकामहु उन्हें अल्लाह करवट करवट जंगा जन्नत ना इता इनायत करे कि टीले ज़ैनबिया पे गए, उधर अब्बास का लाशा, इधर अली अकबर का लाशा देखा तो आवाज दी मीर अली की रूह ने कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ और हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। रोते रहिए अजादारो, बला रोए और कुछ भी नहीं रोए, अल्लाह जाने कैसा इन आंसुओं में दर्द है कि रोते हैं मगर दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं भरती, इसलिए कि उन्हें रोते हैं ना जिन्हें रोने नहीं दिया गया। अजादारो, मजलिसें करते हैं मगर शेर नहीं होते, इसलिए कि उनकी मजलिस करते हैं ना जिनकी वक्त पे मजलिस भी ना हो सकी। हाँ अजादारो, सुनोगे कि एक मर्तबा हुसैन खेमे में तशरीफ ले गए और अपनी बहन से कहा पुराना लिबास दो, पुराना लिबास जेबे तंग किया, घोड़े पे सवार हुए, लजामे फर्ज को हाथ में लिया और अपना दौड़ाना चाहते थे मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। अब जो हुसैन ने अपने सुलझना के रुखसार पे रुखसार रख के एक जुमला कहा, ए सुलझना आखिरी बार सहमत दे रहा हूँ, मेरी मंजिल पे पहुंचा दे। अब कहा हुसैन, कहा तू, कहा हाँ मगर बड़ा शर्मिंदा होके जा रहा हूँ, तुझे पानी पिला के नहीं जा रहा, तूने तो देखा ना मेरा बेटा एड़ियां रगड़ रगड़ के अकबर मर गया, मैं उसे पानी नहीं पिला सका। हाँ 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 मैं तुझे
मैं वसीयत कर रहा हूं, हां मुझे मंजिल तक पहुंचा दे, मगर मैं कहूंगा मौला आपके खदमों पे नहीं, आपकी सवारी की टापों पे हमारी जवानियां कुर्बान। एक मर्तबा आंखों से आंसू भरे हुए सुलझना ने अगली टापों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा तो कोई गैर न था, हुसैन की 5 साल की बच्ची सकीना घोड़े की टापों से लिपट के कह रही थी, ए जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। आजादारो, एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े। मैं आपको जरा तहकीकी कुछ जुमले मसायब के लिए अर्ज करूं कि जितने भी करबला में शहीद गए हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई सहारा बन के चला। अगर समझ गए हो तो मातम करना कि जब इमाम हुसैन गए हैं, जब जनाबे हजरत कासिम गए हैं, तो एक बाजू को अब्बास पकड़े हुए थे हुसैन के, एक बाजू को अली अकबर पकड़े हुए थे, समझ गए ना। और जब जनाबे अब्बास गए हैं ना, तो इमाम हुसैन के एक बाजू को अली अकबर पकड़े हुए थे। हद ये हो गई, जब अली अकबर गए हैं ना, तो बूढ़ा बाप पीछे पीछे तसल्ली देता हुआ सहारा बन के चला। अकबर पलट पलट के चेहरा दिखाते रहना, तुझे बड़ी नमाज़े शब में दुआएं मांग मांग के मांगा था अकबर। अकबर अकबर जब भी नाना याद आते थे ना, मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत कर लेता था। ए अकबर, अज़ादारो अकबर ने अपना घोड़ा रोक के कहा, बाबा क्या तबीयत नहीं चाहती कि मैदान में जाऊं। हुसैन ने अजीब नफ्सियाती जुमला कहा है, मेरे लाल अभी तेरे ना औलाद हुई है न तेरी शादी हुई है, काश तेरे भी जवान अकबर ऐसा बेटा होता ना, तब पता चलता कि जवान लाल की मोहब्बत क्या होती है। जा बेटा तकद्दम वलदी, यानी जब अली अकबर गए हैं ना, तो उनके पीछे भी हुसैन गए हैं। मगर मैंने मक्तल की किताबों में देखा, जब हुसैन गए तो कोई ना था फातिमा जहरा के लाल के पीछे सहारा बन के चलता। मगर ए मीर अनीस, आपकी रूह को सलाम है, आपका एक मरसिया पढ़ा तो देखा कि बतूल की पोती सकीना भी मुश्किल कुशा बन गई हुसैन के लिए, पीछे पीछे चली और एक मर्तबा कहती हुई चली। मीर अनीस एक मरसिए में कह रहे हैं कि चिल्लाती थी कुर्बान हो बेटी चले आओ, नन्ना सा मेरा दिल है, मेरा दिल ना दुखाओ, मर जाऊंगी बाबा ना मुझे छोड़ के जाओ, मैं मरती हूं बाबा मुझे सूरत तो दिखाओ। और बाबा को कसम देके बुलाती थी सकीना और सर पीटती पीछे चली जाती थी सकीना। अदादारो यूं भी बाप और बेटी का बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है, बड़ा तकद्दस वाला रिश्ता है, वो भी बाप हुसैन जैसा और बेटी सकीना जैसी। मैं अदादारो एक जुमला कहूं कि मैं इस बार जियारत करने गया करबला, मैंने कहा मुझे वो जगह दिखाओ जहां हुसैन का कयाम था। आज भी कयाम हुसैनी की जगह है, जो जा चुके हैं उनकी फिक्रों को मैं ले जा रहा हूं, जो नहीं गए हैं वो तसव्वुर के साथ चले। उसके 40 कदम के आगे एक टीला है जिसे टीला ज़ैनबिया कहते हैं, उसके बाई तरफ कोई 36 कदम के आगे इमाम हुसैन का रोजा है, दाई जानिब और जनाब अब्बास का रोजा है। दोनों भाइयों के रोजे के बीच की जो जगह है वो बैनल हरमैन कहलाती है, बड़ी मुस्तजाब जगह है जहां मांगो जो मांगो वहां पर मिलता है। दोनों भाई सो रहे हैं अज़ादारो, मगर हाँ जब इमाम हुसैन गए हैं ना मैदान में अज़ादारो, तो टीला ज़ैनबिया उसे इसलिए कहते हैं कि सबसे आखिर में माजाई बहन ने अपनी आंखों से अपने भैया के गले पे खंजर चलता हुआ देखा था, इसलिए वो बीबी ज़ैनब से मंसूब है। अज़ादारो हैदर करार का लाल बतूल का लहू, अज़ादारो हुसैन जब मैदान में पहुंचा तो चंद लम्हों में पूरा का पूरा मैदान खाली करा दिया। लड़ते लड़ते एक ऐसे जनाजे के करीब पहुंचे जो
बाजू कटा के सो रहा था, आवाज दी, अब्बास शाने कटा के सो रहे हो ना, उठो देखो प्यासा हुसैन कैसे जंग कर रहा है। और जंग करते चले जाते हैं, मौला ये कहते चले जाते हैं, अब कहा बुजदिलो भाग रहे हो, तुमने रबाब का झूला उजाड़ दिया, तुमने लैला का अकबर मार डाला, तुमने मेरा 13 बरस का काजी उसकी लाश पामाल कर दी, तुमने उनो मोहम्मद जैसे भांजे कत्ल कर दिए, अब कहा जा रहे हो जालिमो अजादारो। ये रजस पढ़ते चले जाते हैं, मुख्तार के दरबार में जो जालिम शिम शिमर था वो कहता है, जब तेरा आका हुसैन हजारों को फिर नार कर चुका तो अर्श से आवाज आई, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईना इरजई, ए नफ्स मुतमईन पलटा उस रब की तरफ जो तुझसे राजी हो गया है, रजा इलाही के लिए जुल्फिकार हैदरी को बतूल के सैयद बेटे ने मियान में रख लिया, अब जिसके पास जो था वो लेके चला, कोई तीर मार रहा था, कोई तबर फेंक रहा था, अजादारो जिसके हाथ में कुछ नहीं था वो पत्थर मारता था, हुसैन के चेहरे की तरफ फेंक देता था। और अमीर अनीस कह रहे हैं कि पांव हर बार रकाबों से निकल जाते थे, या अली कहते थे मौला तो संभल जाते थे। मौला तुम्हारी आवाजों पर रहम करे। रुखसती के आखिरी जुमले, चंद लम्हों में हुसैन जीन से जमीन पे आए, जालिम मुख्तार के दरबार में कहता है, कातिल हुसैन सर से लेके पैर तक इतने तीर थे कि तीरों में पेवस्त ज्यादा रो हुसैन, अबू तुराब का बेटा तुराब पे आखिरी सजदे के लिए झुका। जालिम कहता है, मैं दूर था मेमने पर, मैंने रास्ते में पड़े हुए पत्थरों पे खंजर मारता चला और वहां पहुंचा जहां तेरा आका हुसैन सजदे में था। आदादारो मैं कैसे पढ़ूं, जालिम कहता है मैंने जम्मे गफीर को चीरा, हुसैन को सजदे में देखा, अपने घुटने को मोड़ा, फंसे पुस खंजर चलाना शुरू किया, जमीने करबला हिलने लगी, सियाह आंधियां चली, आसमान सुर्ख हो गया, हाय ज़ैना टीले ज़ैनबिया पे आ गई, आवाज दी मेरे भैया मुझे कुछ नजर नहीं आता, इधर खंजर चला उधर एक दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा की आवाज आई, ऐ नेरे अलखबा मेरा बच्चा है बेखता, ऐ दश्ते करबला मेरा बच्चा है बेखता, ऐ अर्ज़े नैनवा मेरा बच्चा है बेखता, ऐ दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेखता, घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ऐ जुल्फिकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन। पालने वाले जितने मोमिनीन और मोमनात, जितने मेरे भाई बुजुर्ग हुसैन की अली के फजाइल और मौला हुसैन के मसायब सुन के पालने वाले जो मांग रहे हैं, तुझे हुसैन शहंशाह सकी इब्ने सकी का वास्ता, उनको किसी को भी खाली दामन न जाने देना। पालने वाले जो अलील हैं, बसत कै बीमार करबला उन्हें सेहत काम लाता फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज को गैब से अदा फरमा दे। पालने वाले जो इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, खुसूसन पाकिस्तान और इराक के अजादार जो मौत के साए में अज़ादारी कर रहे हैं, उन्हें जज्बाए हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर अता फरमा। ए रब्बे जलील, जहां कहीं औलाद के मुतमन्नी अज़ादार हैं, उन्हें अली असगर के सदक़े में औलाद नरीना अता फरमा। बानियान मजलिस और हाजरीन मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमा। पालने वाले हम ये भी दुआ कर रहे हैं कि जिंदगी के आखिरी सांस तक अपना ही मोहताज बनाना किसी मोहताज का मोहताज मत बनाना। हमारे आखिरी इमाम के जहूर में ताजील फरमा,
और हमें उनके गुलामों में शुमार फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर तमाम मोमिनीन व मोमिनात और खुसूसन जो इस तख्ती पर जो मोमिनीन ने दामे दिरहमे सुखने जिस तरह से ताउन किया है उनकी अरवाह पुरफुतू को इशारे सवाब फरमा दीजिए। पूछती है बानो शह जमन से, रो रो के पूछती है बानो शह जमन से, रो रो के पूछती है बानो शह जमन से, रो रो के पूछती है बानो शह जमन से, किस तरह लाए रन से कड़ियल जवा किरण से, रो रो के पूछती है बानो झूला जो खाली दे कारो कर सकी न बोली, झूला जो खाली दे कारो कर सकी न बोली, अम्मा हमारे असगर अब तक नाए रन से, रो रो के पूछती है बानो शहे जमन से, रो रो के पूछती है बानो शहे जमन से, बेमां बुला के प्यासा सिबते नबी को मारा, मेहमा बुला के प्यासा सिबते नबी को मारा, ऐसा सुलूक कोई करता है बेवतन से, रो रो के पूछती है बानो शह पूछती है बानो शहे जमन से, अफसोस शह की मैया तुरिया पड़ी है रन में, अफसोस शह की मैया तुरिया पड़ी है रन में, दोनों जहां कवाली मोहता जो बेकफन है, रो रो के पूछती है बानो शहे जमन से, रो रो के पूछती है बानो शहे जमन से, गाओ सै 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 गाओ
متوجہ زیارت. السلام علیک یا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیک وعلی الائمہ من منیک، السلام علیک صاحب الدبد ساکبا، السلام علیک صاحب المصیب الراتبا. لقد اسبا کتاب اللہ فیکا مہجورا ورسول اللہ فیکا مادورا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا آقا حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا مولا حضرت ابو الفضل عباس ابن سید الوسین. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیک ایو المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعہ والزبار فی امر الجزا، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ای الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب الاسر الزمان الامان الامان الامان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعہ اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات.